जब बच्चा पैदा होता है तो उसके रोने को लेकर आपने तरह तरह की बातें जरूर सुनी होगी। कोई इसे पौराणिक काल से जुड़ी बात मानते हैं तो कोई इसका साइंटिफिक कारण भी है। कई बार जब बच्चा जन्म के तुरंत बाद नहीं रोता है तो डॉक्टर या नर्स उसे किसी तरह रुलाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जन्म के बाद बच्चे के लिए रोना क्यों जरूरी है, क्यों बच्चा जन्म के बाद रोता है। शिशु जब माँ के गर्भ में होता है तब वह सांस नहीं लेता, वह एनिम्योटिक सैग नामक एक थैली में होता है जिसमें एनिम्योटिक द्रव भरा होता है। उस समय शिशु के फेफड़े में हवा नहीं होता है, उनके फेफड़े में भी एनिम्योटिक द्रव भरा होता है। इस स्थिति में बच्चे के सारा पोषण अपनी माँ के द्वारा गर्भनाल के जरिए मिलता है। माँ के शरीर से बच्चे बाहर आते ही गर्भनाल काट दी जाती है। इसके बाद शिशु को उल्टा लटकाकर उसके फेफड़े से एनिम्योटिक द्रव निकालना जरूरी होता है ताकि फेफड़े सांस लेने के लिए तैयार हो सके और वायु का संचार होने लगता है। पहली बार बच्चे का रोना न सिर्फ सेहतमंद तरीके से प्रजनन का संकेत है बल्कि रोने के साथ साथ नवजात के फेफड़े भी सांस लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। इन सब के लिए रोने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण काम करती है। दरअसल रोते समय बच्चा गहरी सांस लेता है, यही वजह है कि जन्म के बाद अगर बच्चा खुद नहीं रोता है तो उसे हल्की सी चपट लगाकर रुलाया जाता है। बच्चा बहुत संकरे मार्ग से निकलकर दुनिया में आता है, बाहर का वातावरण उसके लिए माँ के शरीर के अंदर मिले वातावरण से अलग होता है।